माँ करणी उस आस्था का नाम है जो विज्ञान पर भी भारी पड़ रही है। माँ करणी उस अटूट विश्वास का नाम है जो कभी डगमगाता नहीं। माँ करणी उस शक्ति का नाम है जो विकट से विकट संकट को दूर भगा देती है। वास्तव में माँ करणी की बहुत बड़ी यहाँ पे कृपा है। पूर्व में भी जो बीकानेर के रहने वाले हैं या जो बीकानेर को जानने वाले हैं उन्हें पता है कि पूर्व में भी कई ऐसे हादसे हुए हैं जिससे माँ करणी ने बीकानेर वासियों को बचाया है। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद जो है वो हमारे साथ है। जब बीकानेर पे संकट आया है तो माँ ने हमेशा बीकानेर की रक्षा की है, चाहे भारत पाकिस्तान की लड़ाई में बम से रक्षा करना हो या प्लेग जैसी महामारी में रक्षा करनी हो। ये अगर करणी माता की कृपा नहीं, मेहर नहीं, तो और क्या है। और हमारी माँ बहुत ही दयालु है। हम माता रानी से ये आशीर्वाद चाहते हैं कि इस कोरोना की संकट की घड़ी में भी हमारे बीकानेर के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हाँ, ये वही करणी माता हैं जिन्होंने बम धमाकों से बीकानेर को बचाया था। हाँ, ये वही करणी माता हैं जिनके आशीर्वाद से बीकानेर और जोधपुर को बसाया गया। हाँ, ये वही करणी माता हैं जिनका देशनोक में चूहों वाला मंदिर विश्व विख्यात माना जाता है। करणी माता का अवतरण संवत 1444 की अश्विनी शुक्ल सप्तमी को हुआ। उन्होंने जोधपुर के सुआप गांव में चारण कुल के मिहाजी केनिया के घर जन्म लिया। तब उनका नाम रेधुबाई रखा गया, लेकिन बचपन में ही उनके चमत्कार से चकित होकर उनकी बुआ ने उनका नाम करणी रख दिया। करणी जी का विवाह लौकिक रूप से देपा जी के साथ हुआ था, लेकिन माता ने खुद को ब्रह्मचर्य व्रत में रखा और देपा जी की शादी अपनी छोटी बहन से करवा दी। इसके बाद माँ करणी देशनोक में एक गुफा में कठोर तप करने लगी। उनकी ये तपस्या बरसों तक चली। इस दौरान उनकी बहन के चारों पुत्र बारी बारी से उनकी सेवा किया करते थे। ये परंपरा आज भी बदस्तूर जारी है। माँ के मंदिर में देपाजी के वंशज बारी बारी से माँ की सेवा करते हैं। जिस गुफा में रहकर माँ ने तप किया, उसी गुफा में संवत 1995 की चैत्र शुक्ल नवमी को वो ज्योतिर्लीन हो गईं, जिसके बाद भक्तों ने वहीं उनकी मूर्ति लगाकर पूजा करनी शुरू कर दी और फिर मंदिर भी बनवा दिया। देशनोक में करणी माता के मंदिर को आस्था का समुद्र कहा जाता है। यहाँ हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए आते हैं। जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो ये आस्था और ही प्रगाढ़ हो जाती है। मंदिर में इतने सारे चूहे होने के पीछे की कई किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि करणी माँ की बहन के सबसे छोटे पुत्र लक्ष्मण राज की कोलायत तालाब में डूबकर मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद करणी माता ने तप करके यमराज से उनके जीवन दान की मांग की। यमराज ने उन्हें चूहे के रूप में जीवन दान दिया। तब से आज तक ये चूहे करणी माता के वंशज के रूप में जन्म लेकर मंदिर में स्थान पाते हैं, जिसका जैसा कर्म उसे मंदिर में वैसा ही स्थान, और ये स्थान वो कभी नहीं बदलते। लेकिन हाँ, जैसे ही माँ की जोत होती है ये चूहे बिलों से निकलना शुरू हो जाते हैं। प्रसाद भी तब तक प्रसाद नहीं माना जाता जब तक ये चूहे उसे चख न लें, और यही प्रसाद भक्तों में भी बांटा जाता है। हैरानी की बात है कि इस प्रसाद से कभी कोई बीमार नहीं हुआ। हजारों चूहे इस मंदिर परिसर में घूमते हैं, लेकिन अद्भुत मर्यादा का पालन इस तरह करते हैं कि वे कभी भी इस मंदिर की देहरी को पार नहीं करते, कभी इस मंदिर से बाहर नहीं आते, और लोग उनका जूठा पानी, उनका जूठा दूध चरणामत की तरह ग्रहण करते हैं, और प्लेग के प्रति एक खास तरह की इम्यूनिटी इस भूभाग के लोगों में पाई जाती है।
कुछ वर्ष पहले सूरत में जब प्लेग फैला था तो सारे वहाँ के बीकानेर के लोगों ने एक ही रास्ता खोजा, वे सब समूह में एक साथ दौड़कर बीकानेर की तरफ आए क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी माँ प्लेग से हमारी रक्षा करेगी। मंदिर में सफेद चूहे का दिखना खुश नसीबों को ही नसीब होता है। आप खुश नसीब हैं जो ये दृश्य देख रहे हैं। जो मांगना हो वो मांग लीजिएगा, क्योंकि जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो सिर्फ यही होता है। इन चूहों को देखकर कई बार लोग सवाल करते हैं कि मंदिर के बाहर मिठाइयों की दर्जनों दुकानें होने के बाद भी ये चूहे बाहर क्यों नहीं जाते। हजारों चूहे होने के बावजूद मंदिर की नींव खोखली क्यों नहीं होती। सभी चूहों का आकार एक सा ही क्यों है। क्यों ये चूहे मोटे या पतले नहीं होते। चूहों का जूठा प्रसाद खाने के बाद भी श्रद्धालु क्यों बीमार नहीं होते। क्यों ये चूहे कभी अपना स्थान नहीं बदलते। इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है, मां करणी की असीम कृपा। ये मां करणी की ही कृपा थी कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बीकानेर पर गिरने वाले 3000 बमों में से एक भी बम नहीं फटा। ये मां करणी की कृपा ही थी कि सूरत से पूरे देश में फैला प्लेग बीकानेर को अपनी जद में न ले सका। और अब भी मां करणी की ही कृपा है कि बीकानेर कोरोना से बचा हुआ है। बस मां की यही मेहर पाने के लिए लोग यहां मत्था टेकने आते हैं। वैसे तो मां की आरती हर रोज होती है, लेकिन हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रात में होने वाली भोग आरती की बात ही कुछ और है। इसी तरह शारदीय और चैत्र नवरात्र के दौरान देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचकर मां को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, करणी थारो आसरो मन मोरा माही, सोरा राखो सेवका जमवारा ताही, जय मां करणी।